हेलो आलिया, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल यार सॉरी, हम लोग कुछ डिले हैं आज। कुछ अदनान भी बिज़ी था, कुछ मैं भी एक जगह स्टक हो गया था, बट हम आ गए और अदनान को भी मेरी बात हुई है। वो भी फ्री हो गया, वो भी चंद ही मिनटों में हमें ज्वाइन करेगा और हम उससे गपशप लगाएंगे। अदनान मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और अदनान की ख़ास बात यह है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है, किसी किस्म का उसमें स्टारडम नहीं है। थैंक यू राजा बाबर, आप भी जीते रहो। सो गुड गुड। सो उससे भी गपशप रहेगी हमारी। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं, आज भी हमने तकरीबन 5 हॉस्पिटल्स को पीपीज डिलीवर किए हैं और इस COVID-19 से लड़ रहे हैं हम लोग। और यू आर ऑल्सो ऑसम। थोड़ा सा चीज़ें शेप अप हो रही हैं। हम थोड़ा सा अपनी कलेक्शंस को भी देख रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा, मेरी पूरी टीम ही लगी हुई है, मेरी पूरी टीम ऑन है। तकरीबन हम अलवीरा, थैंक यू, अदनान, अरीशा, योर नेम राइट। हम अदनान को लेंगे आज ऑनलाइन और अदनान से गपशप लगाएंगे और पूछेंगे कि कैसा जा रहा है उनका सारा, क्या कर रहे हैं आजकल वो और क्या उनकी मसरूफियात हैं। तो मैं अपनी मसरूफियात पहले आपको बताऊं। दुनिया भर में तकरीबन 3.5 मिलियन के करीब लोग जमा हो चुके हैं जो कि कोविड से लड़ रहे हैं, और सारे मुल्कों में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और मैं आपको थोड़ी सी इसकी अपडेट इसलिए दूंगा क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, अदरवाइज़ मुझे इसका इतना ज़्यादा वो होता नहीं है। मैं इन चीज़ों में था नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं था। थैंक यू, थैंक यू राम, रमोश इज़ योर नेम राइट। वालेकुम सलाम हिना हनी, महवेश, हेलो सर, हेलो महवेश, हाउ आर यू। जुनेद कमजी कहते हैं हाय हाय हाय। ओह गुड। सो बेसिकली काफ़ी लोग इसको इस पे इस प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं और इसका सिर्फ एक ही हल है, वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। आप अपने बार बार हाथ धोएं, आप ग्लव्स यूज़ करें, आप मास्क यूज़ करें और अपना ख्याल रखें। कभी भी आपको टेम्परेचर फील हो तो भी आपको ख्याल रखना है अपना, जाना है डॉक्टर से कंसल्ट करना है। किसी किस्म का फ्लू हो आपको, जब भी आप इस चीज़ का ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अरिका। एंड उरूज कह रही हैं गुड वर्क, थैंक यू उरूज। जहरा कहती हैं स्टे ब्लेस ब्रो, स्टे ब्लेस। अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो इसके बारे में, जो पीपीई सूट्स हम बनाते हैं, तो हमने एक पोर्टल बनाया है यूट्यूब का जिसमें आप जा सकते हैं, asimjofa.com। आसिम जोफा बेसिकली उसका है यूट्यूब का पोर्टल। और आप एक ईमेल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, तो आप हमें एक ईमेल कर सकते हैं, विच विल बी care@asimjofa.com। वेरी सिंपल है, आप वहाँ पर ईमेल करेंगे और चंद ही मिनटों में आपको इसका रिप्लाई भी आएगा और हमारी टीम आपको हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी जितनी कर सकेगी। अदनान को मैं, अब हम अदनान को लाइन पे ले रहे हैं और होपफुली अदनान जल्दी यहाँ आ जाएंगे। अदनान ने हमें अस्सलाम बड़ा, वालेकुम। हेलो जय,
वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? कैसे हैं जनाब? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल क्या रूप छाया हुआ है आप पे यार रोजों हमेशा के मैं आपसे लर्न का कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये लाइट का कमाल है यार नहीं, ये खूबसूरती का कमाल है। अच्छा मगर जनाब अदनान साहब, पहले तो मैं माजर चाहता ये हूँ, तो माजर चाहता हूँ कि 9:30 बजे मुझे आना था। मैं माजर चाहता हूँ कि मैं 10 बजे आया हूँ, यार वो शो अभी वो खत्म हुआ मैंने भी की है तो इसलिए माजरत, जस्ट और मुझे आइडिया था तुम डिले हो जाओगे, तो मैंने पोस्ट पे एक स्टोरी पे लगा दिया था कि हम 10:30 बजे 10 बजे आएंगे। सो बेसिकली हमने बस उसको सही। 10 बजे कर दिया था। अब यार ये बताओ अदनान कि तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम तो बहुत सारी चीजें कर रहे हो माशाल्लाह, बट ये बताओ कि तुम तो इस गो अहेड। इससे हुआ ये कि यार देखो, हमने पहले अपने 14 दिन पूरे किए वो आइसोलेशन के अंदर, आइसोलेशन के बाद घर आ गए, सेल्फ क्वारंटीन भी हो गया, मगर यार द शो मस्ट गो ऑन। तो और सेल्फ डिस्टेंसिंग के साथ, मतलब वो जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको फॉलो करते हुए जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे जी तो पाकिस्तान जाता हूँ तो हम ऑफकोर्स यहाँ से ग्लव्स पहन के जाते हैं और मास्क लगा के जाते हैं, और उससे पहले वो डिसइनफेक्ट होके गाड़ी भी आती है, और उसको फिर मेरा बच्चा भी यहाँ के फिर जाके एक अलग रास्ते से हम आते हैं, और 6-6 फुट का फासला होता है वो शो करते हैं, और बस फिर वापस घर आ जाते हैं। यही एक एक्टिविटी है, कल फिर कल कल उसके मैंने अलावा तो हम आपका कल मैंने आपका मेरी उससे बात हो रही थी, एमिन से और नीब से, तो वो बता रहे थे कि वो जी तो पाकिस्तान में कैसा उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एयर वाइज वैसे भी हमेशा इन चीजों का ख्याल रखता है, मुझे पता है। बट मैंने जो तुम्हारी कल वो आई थिंक एक्टिंग से ज्यादा तुम्हारी स्किल्स मैंने कल देखी है, वो जो तुमने प्रोग्राम किया और वो आंटी तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी, आई वॉज स्किपिंग द चैनल एंड आई सॉ अदनान वॉज लाइक आई वॉज मेरा लाफिंग आई वॉज दिमाग लाफ पागल हो गया, मैं पागल हो गया, दिमाग पकड़ रहा हूँ अपना। मैंने कहा भाई अब ठीक है, दानिश वहां है, उससे आप बात कर लीजिएगा, मगर फिलहाल आप मेरी टीम में है, वो आपको वरगलाएगा, उसकी बात ना माने क्योंकि उसने जीतना है और आप नहीं उसकी बात मान रही हैं। वो क्या डायलॉग था जो तुम कह रहे थे कि वो मैं शादी में आया हूँ, मुझे तो देख लो मुझे तो देख लो मैंने कहा कि मैं शादी में आया हूँ, मैं भी तो आप ही की टीम का कैप्टन हूँ भाई, मुझसे बात कर ले, उनको छोड़े यार, वो तो और देख ही मैं नहीं रही सही थी मेरी तरफ बता रहा हूँ कि मैं वो मिस नहीं कर सका, वो पूरा शो मैंने उसके एंड तक देखा, जब तक उन्होंने वो 6 तोला से 5 तोला पे नहीं आ गए और 5 तोला से वो जीत नहीं गए, जब तक सुकून भाई नहीं। इनको आसन तुमसे अच्छा कौन समझा सकता है। मैंने कहा भाई देखें, गाड़ी जो है टैक्स वैक्स देंगी आप, उसके एप्रिशिएट नहीं डिप्रिशिएट होगी वैल्यू उसकी, सोना 6 तोला भाई एप्रिशिएट करेगा, कुछ भी कर लें आप, सोना ले लें आप लेकिन यार, ले लें, मान ही नहीं। बहुत नेचुरल एक्टिंग की, बहुत नेचुरल था, अरे बहुत बड़ा मजा आया मुझे लिटरली, मैंने देखा मैंने कहा। अब ये बताओ यार अदनान, ये तुम्हारी शूट्स वगैरह कैसे जा रही है? मैं अपनी फील्ड के लोगों से जब बात करता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि यार क्या हो रहा है, ऑनलाइन पे हम जा रहे हैं, हमारी सेल्स तकरीबन जीरो हो गई है जो कि शॉप्स वगैरह की थी, और ऑनलाइन पे हमने बिलीव करना शुरू कर दिया। तो आप लोग कैसे कर रहे हो, क्या इसका रिज्यूम हो गया शूट, आप लोगों के ड्रामा शुरू हो गए, आप लोगों के क्या कर रहे हो आप लोग? आसिम, बस ये एक बड़ा मसला है, अभी तक कोई भी ड्रामे शुरू नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि जो भी पेंडिंग काम भी रहता है ना लोगों का, वो भी नहीं शुरू कर पा रहे हैं काम अपना, और उसकी रीजनिंग यही है कि देखिए ड्रामा जो है उसका क्लोज इनकाउंटर है, वो आप दूर होके नहीं कर सकते, कहीं करीब आना होता है, कहीं हाथ पकड़ना होता है, कहीं थप्पड़ पड़ता है, ये सारी चीजें हैं भाई, तो ये वो तो देखा है हमने हाँ वो असल था या तो नकल था भाई थप्पड़ नहीं, नकल था वो, नकल था वो सारा रुका हुआ है। उससे बड़ा जो मसला, जैसे मेरी फिल्म तैयार है, फैसल कुरैशी यानी वो जो यूफोन वाला फैसल कुरैशी, उसकी फिल्म तैयार है, जी, मौला जट तैयार पड़ी है, फिर टिच बटन तैयार है, अब और ये उसकी भी क्या तैयार करें है, यार, ये नबील की बहुत भी ऑलमोस्ट रेडी है, नबील की भी कोई मूवी, नबील और नबील जुबैर की की भी यार, कोई, अब ये सब के मैं पहले समझ रहा था कि दिसंबर तक आ जाएंगी फिल्में, मगर मुझे तो ये अगले साल की भी कहानी मिड में जाके लग रही है, अगर हालात सही हुए लेकिन यार वो तो कंटेंट पुराना नहीं हो जाएगा, वो कंटेंट में वो स्पार्क नहीं रहेगा जो या होगा रहेगा वो स्पार्क यार वापस। बिल्कुल बात बिल्कुल तुम्हारी सही है, मगर अब क्या किया जाए यार, एक फिल्म का एक खर्चा होता है वो बन के, अब वो तो
फिल्म तो बन गई है ना यार, वो कैपिटल तो लग गया ना यार। मौला जट तो पहले ही 3 साल पहले बन गई थी, अभी तक वो भी तो यार, तीन साल से मौला जट मगर मुझे ऐसा लगता है आसिम, मौला जट एक ऐसी फिल्म है जो एक कल्ट बन जाएगी, क्योंकि इतनी इसकी बात हो गई है, इतने लोग हो गए हैं, लोग देखने जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पुरानी मुझे हो भी या नहीं लगता हो, है, मगर देखेंगे। और वो एक मुझे लगता है एक एवरग्रीन मूवी होगी, जैसे वो नहीं थी बोल्ट और इस टाइप की मूवी जो जब चलती रहती है दोबारा आती रहती है, खुदा के हाँ लिए जो थी खास तौर पे। बिल्कुल यार, वो देखो मगर अब फवाद के लिए एक बड़ा ब्रेक है, क्योंकि एक बड़े अरसे के बाद एक फिल्म में आ रहा है वो। फिर मैंने उसकी बड़ी तारीफें सुनी है, बिलाल ने बड़ी मेहनत की है यार उसमें, और सबने बड़ी मेहनत बहुत की मेहनत है। की है, मैंने उसकी थोड़ी बहुत वो नहीं देखे हैं फैक्ट्स देखे हैं, कोई हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है यार। बिल्कुल हॉलीवुड यकीनन, पे, हॉलीवुड पे आता है बिल्कुल बिल्कुल, हॉलीवुड मगर और लॉलीवुड और ये जो तीसरा इंडियन, तुमने एक दफा इंडिया की मूवीज में भी काम किया, तो क्या क्या डिफरेंस फील करते हो, क्या लगता है तुम्हें ज्यादा मजा कहाँ आता है काम करने में? तो आसिम प्रोड्यूसर तीनों का एक ही जैसा होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि ओके पैसा बचे, उसकी कोशिश ये होती है कि यार कि भाई जितने दिन कम में काम होगा उतना फायदा होगा प्रोड्यूसर को। हाँ मैं ये कह सकता हूं कि टाइम मैनेजमेंट में हॉलीवुड बहुत आगे है। अच्छा जैसे हॉलीवुड की जो मैंने बात देखी, हॉलीवुड के लिए एक तो फिल्म का आपको रॉयल्टी मिलती है, नंबर वन। नंबर टू, मिलती रहती है। आपका आपकी एक वो लेबर लॉ को फॉलो भी करते हैं, तो 8 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं, 8 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं है, और अगर होगी तो ओवर टाइम मिलेगा। फिर तीसरी चीज उनके अंदर ये होती है, सैटरडे संडे ऑफ है 2 दिन, अच्छा सुकून है यानी कि सुकून। और लेकिन इंडिया सुकून में ये यानी नहीं होता, सैटरडे। इंडिया में भी, इंडिया में नहीं 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 होता ये? इंडिया में सिर्फ संडे संडेज ऑफ है, अच्छा इंडिया में सैटरडेज संडेज नहीं। ऑफ है सिर्फ। एक और जो अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज उधर ये है कि आपको पर डियम मिलता है आपको रोज का, तो वो पैसे भी मिल रहे होते हैं, एक टैलेंट फी अलग है, रोज का खर्चा अलग है वो आपका, और वो रोज का दैट्स खर्चा वो देयर ये लॉ होता ऑफ है कि यूएस है, गवर्नमेंट का लॉ है उनका, या ये बिल्कुल ये लॉ है, लोकल? ये लॉ अच्छा है, ये लॉ बिल्कुल है, उनका लॉ है। अच्छा अच्छा ये लॉ एक है और तुम्हें इनका। बड़ी मजेदार, एक और बड़े मजेदार बात बताता हूँ कि आपकी इंश्योरेंस भी होती है। तो मैं जब हॉलीवुड कर रहा था तो मेरा पूरा मेडिकल हुआ था, उसके अंदर पूरा मेडिकल चेकअप के बाद उन्होंने फिर मेरा एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बनाई थी, अगर खुदा ना खास्ता मुझे फिल्म में कोई तबीयत खराब होती है तो वो इंश्योरेंस विल टेक केयर ऑफ दैट। फिर इसके अलावा क्या हुआ क्या था कि अब मैं, मरहूम इरफान खान, ये हम सब लोग होटल एक ही होटल में थे, तो मैंने क्या किया कि एक दिन हम उस जो तकरीबन 5 या 6 मिनट दूर था, वॉक करके 6 मिनट दूर था, तो एक दिन मैं वॉक करके चला गया मैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप वॉक करके नहीं आएंगे, आइंदा आप गाड़ी में आएंगे। तो मैंने कहा तो यार गाड़ी इंश्योरेंस में अलाउ क्यों नहीं आऊंगा करती? यार, मैं 5 मिनट की वॉक में आ, तो कहते नहीं यार वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप गिर जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, इसीलिए वो एक गाड़ी में सफर भी नहीं करते थे, तो वो एक्टर्स को भी अलग अलग गाड़ियों में भेजते थे कि एक साथ नहीं जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता, अल्लाह ना करे, तो यार लॉस पूरा क्रू का ना हो, एक छोटा ओ लॉस हो, यार यार इट्स ये वेरी वेल होता यार अदनान, बहुत सारे तो। लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं और सलाम भी कर रहे हैं और बहुत सारी बातें भी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, तो उनको थैंक जरा आए कह दो, यू, हेलो थैंक कह दो। हेलो 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 एवरीवन, एवरीवन, हाउ आर यू सहर, ममर जान, हेलो, क्या हाल है आपके? हाश हाश अब्दुल हशर दिना राजा हशर राजा, वाह जी वाह, लॉट्स ऑफ लव इन्हें आप अदनान जी, प्यार थैंक दे यू, रही हैं। थैंक यू बहुत, थैंक यू सो मच। और मगर यार मैं एक बात तुमको कहता हूँ यार, ये जो तुमने जो ये सीएसआर का जो सिलसिला शुरू किया, ये तुम्हारे दिमाग में आया कैसे कि यार ये यार हेल्थ अदनान इश्यूज मैं बनने तुम्हें चाहिए? ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो पहले तो रहने का यार, ये तो छुट्टियां हो गई, पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं मुल्क से बाहर निकल जाऊं, थोड़ा कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां बहुत कम है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो मैं प्रोग्राम, ये जो चीज कर रहा हूँ ना, मैं ये एक बड़ा कैजुअल सी करता हूँ, जो मैं जैसे तुमसे मैं बात करता हूँ ना वैसे ही बात करूंगा। तो मैं पहले दिन तो मैंने 2-3 दिन सोचा यार निकलने चाहिए यार, ये 1 महीने की छुट्टियां हैं,
फिर मैं निकल नहीं सका ठीक है। फिर मैंने घर पे खाने बनाने शुरू कर दिए, 4-5 दिन खाने बना लिए मैंने, और किसी दिन थाई बना लिया, किसी दिन देसी बना लिया, किसी दिन कॉन्टिनेंटल बना लिया, किसी दिन इटालियन, हो गया काम, हो गया 4-5 दिन हो गए। फिर मैं आया एक डिप्रेशन स्टेज, मेरे घर पे बैठने की आदत नहीं है, तुम्हें पता है मेरे तो दोस्त जब तक अराउंड नहीं है 50 तो मुझे तो मजा नहीं आता। हाँ, तो वैसे मैं देखो बताना यार चाहता हूँ, अच्छा देखो पहले इनसे इनसे बेहतर एंटरटेनर कोई नहीं है। मतलब एक इनको मजा आता है कि यार मेरे घर लोग आए, मेहमान नवाजी में मजा आता है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसी तरीके से बरकत भी दी है, माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूँ कि पहले तो हमने अम्मी अब्बू को बताया कि आपने जाना नहीं है घर से बाहर ना, क्योंकि आप नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे अब्बू नमाज पढ़ने जाते हैं जमात से। तो मैंने उनको पहले हाँ मना किया हाँ जी आप नहीं जा सकते, ना आप काम पे जा सकते हैं, ना आप बाहर मिल सकते हैं, गेट हमने लॉक कर दिया। 6-7 दिन के लिए हम 7 लोग घर में पैक हो गए, लॉक हो गए। कुक को भी हमने किया, काम करने वाली को भी हमने मना कर दिया। अब सब कुछ तो आपने कर लिया, अब आपने 5-6 दिन गुजार लिया, अब आपको जाना है बाहर, आपने उनको मना किया हुआ है ठीक है। तो मैंने जब उनको मना किया था तो मैंने कहा यार मैं निकलू कैसे। फिर मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि यार मेरा निकलने का मकसद थोड़ा सा बाहर भी निकलना था और CSR करने का थोड़ा मूड था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये हो जाएगा। मैंने कहा एक जाके ना पैटर्न कटिंग करता हूँ, जाके अपने 2-4 लोगों को बुला के करता हूँ। एक बंदा यार अदनान यकीन नहीं करो, रात को 2 बजे मैंने फ्राइडे को कॉल किया और सुबह 11 बजे बंदा एक जिपर लेके आया हुआ था, एक फैब्रिक लेके आया हुआ था, एक कटर लेके आया था, एक ये लेके 5 बंदे मेरे स्टूडियो में आ गए सुबह। और फिर पहली पहली चीज हमने बनाई वो तो बिल्कुल ही फेल थी हमारी। सेकंड डे मॉर्निंग में फोन आया डॉक्टर सीमी जमाली का, उन्होंने खुद फोन आ गया, मैंने ट्विटर पे किया था तो उनका खुद ही फोन आ गया कि मैंने सुना तुम कुछ कर रहे हो। और उनको रजा हारून कोई साहब हैं जो आप जानते, पहले यहाँ पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं, तो उन्होंने उनको बताया होगा कि जोफा ये कर रहा है। तो उन्होंने मुझे फोन किया मैं तुम्हारे पास टीम भेज रही हूँ और आज ही आज बनाओ और मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ये तुम करोगे। विद इन 24 आवर्स हमारा दूसरा रेडी हो गया और हमने उनसे अप्रूव भी करा लिया। और सिंध में अब हमारा तकरीबन जितनी भी जगह नोटिफाई होता है तो हमारा सैंपल दिखाया जाता है कि जी ऐसा बना लाएं तो आप अप्रूव हैं। तो कुदरती हो वाह, गया, मेरा मेरा इतना ज्यादा एक्सपेक्टिंग नहीं। और मेरी बात सच बात बताओ, मैं कल उनको मुनीब को भी कह रहा था और हुमायूं से भी और तुमसे भी और जितने यासिर वगैरह जो 5-6 दोस्त मैंने शुरू में सबसे पहले कॉल की, नहीं और वन ऑफ देम, और तुमने कहा यार बिस्मिल्लाह यार मशीन भी भेज दो। और जो लोग उस वक्त बहुत नया था, लोग घर में लोगों को घुसने नहीं देते थे, मशीन तो बहुत दूर की बात है। मुझे याद है कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो कहते थे यार घर के अंदर कोई कोई सामान भी आएगा तो 3 दिन बाहर रखा रहेगा। तो उस वक्त में अदनान ने माशाल्लाह चीजें आने भी दी, स्टिच करके भी दी। जान का खतरा है यार, बहुत बड़ी बात होती है नहीं, करना। बात मैं और मैं बता रहा हूँ कि ये चला नहीं, वहीं से, मैं सिर्फ तुम लोग ने भी पूरी SOP फॉलो की थी। जब वो अंदर आ रहे थे तो वो तुम्हारे साथ एक साहब आ रहे थे, उसको स्प्रे कर रहे थे चीजों को, और फिर वो उसके बाद उन्होंने एंटर हुआ और पूरा हैजमेट सूट पहना हुआ था उन्होंने। तो वो बड़ी बात है यार। एंड आई थिंक यार, ये देखो, ये अल्लाह ताला, ये मेरे अंदर ये सोच नहीं आई, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ये सोच डाली। और तो फिर तुमको देखते ही बहुत दूसरे डिजाइनर्स आए, उन्होंने भी किया। सो जितने लोग आ रहे, वो बड़ी बड़ी बात है कि यार ये कर रहे हैं। अदनान मैं तकरीबन आज एक कितने हेलमेट गारंटी सूट दे रहा बना हूँ, लिए होंगे अभी? मैंने तकरीबन 3,000 रेडी कर ली है और 3,000 डिलीवर कर ली है, 5,000 तो मेरे पास इस वक्त इन स्टॉक हैं और मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 हज़ार और बन जाएं। बेसिकली ये रीयूजेबल हैं, 370 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे साहिवाल में हो, चाहे सरगोधा में हो, चाहे वो लोरालाई में हो। अभी आज अदनान कल शायद भी ले आज निकला शायद लेके क्वेटा और कश्मीर तक जाए। शाहिद इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब यार, शाहिद आफरीदी उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। लाइक यार वो नहीं, बंदा बिल्कुल डरता ही नहीं बिल्कुल है, यार, मैंने उसको हाथ जोड़े हैं, मैंने कहा शाहिद भाई आप मास्क नहीं पहन रहे, वाइजर पहन के चले जाया करे। तो कह रहे अच्छा चलो देखता हूँ ये वाइजर पहन सकता हूँ, मैंने कहा वो डायरेक्ट यार डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई उसको वो नहीं अच्छा है। देखो, मुझे मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अच्छा तो काम कर रहे हैं, मगर यार जितने भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है ना, वो लेने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है आसिम, के हमारा मुल्क उस काबिल नहीं है कि हम लंबे लॉकडाउन के लिए एग्रीड चले जाएं। हमें एग्रीड बाहर निकलना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। भाई देखो यार, अब हम तो नहीं दे सकते ना यार, $1,000 पर घर पे जाके। टू नहीं ट्रिलियन दे का सकते यार बिल्कुल। ट्रम्प ने अगर कोई बजट निकाला है तो कोई इसके रीजंस होंगे यार। हमारे पास, मुल्क के पास ये वसाइल नहीं है यार। हमारी इकोनॉमी नहीं वैसी अभी कोई इतनी
बूमिंग नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हम कितने साल पीछे हो जाएंगे यार अगर ये हम नहीं करेंगे। वैसे ही अगर हम उसका एक एवरेज भी निकालते हैं, हम तरक्की याफ्ता मुल्कों से तकरीबन तकरीबन 50-50 साल पीछे हैं यार। तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा यार। तो अच्छा एक एडवांटेज तुम्हें नहीं नजर, क्या यू राइट, एक एडवांटेज आपको नहीं नजर आता क्योंकि मेरा मुल्क जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, मेरा मुल्क विजिटर बेस्ड कंट्री नहीं था बेसिकली। तो 90% इकोनॉमीज जो हैं जो यूएस की होंगी वो सारे विजिटर्स रोजाना एयरपोर्ट पर तुमने देखा, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो एक फ्लाइट आती है जिसमें 340 लोग होते हैं, यू नो, वो फिर निकलती है, फिर 240 की आती है। तो विजिटर बेस्ड कंट्री नहीं है, तो हमारा जो रेवेन्यू था ना वो बहुत कम आता था ट्रैवलिंग से। यूएस में तो मुझे नहीं लगता कि आगे 6 महीने में भी कोई जाने वाला है या 3 महीने में भी लंदन कोई जाने वाला है। तो इनके इनके और ज्यादा प्रॉब्लम खराब होंगे मुझे लगता है। देखो यार, इनके ज्यादा प्रॉब्लम खराब तो होंगे मगर ये अमीर मुल्क है यार, इनके पास मसल है अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, ठीक है ना। अब $2 trillion यार, ये हमारे मुल्क का इतना शायद आज तक नहीं खर्च हुए होंगे जब से मुल्क बना है, जब से मुल्क बना आज तक नहीं खर्च हुए होंगे। तो भाई ये, हाँ बिल्कुल, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार हमें तो ये नहीं करना पड़ेगा यार, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, बस हमें SOPs का ख्याल करना पड़ेगा। अब वो दौर नहीं रहेगा कि अगर आसिम कि तुम मुझे अगर अपने घर नहीं बुलाओगे तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, या मैं तुमको हाथ नहीं तुमसे मिलाऊंगा तो तुम नाराज नहीं होगे। अब ये एक नए नॉर्म्स शुरू हो जाएंगे, ये नए नॉर्म्स होंगे। मैं सैनिटाइजर लूंगा हर जगह पे बैठने पे, पहले मैं स्प्रे करूंगा फिर बैठूंगा। मालूम करोगे कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, और तुम्हारा राइट है सबसे पहले अगर तुम कहीं जा भी रहोगे तो पूछोगे यार कौन कौन आया है और कहाँ से आया है, और हर एक की एक्टिविटी पता होती है मुझे। तो यार ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम देखे, हम किसी को इबादत करने से मना नहीं कर रहे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि यार तुम इबादत नहीं करो, मगर यार अल्लाह ताला ने को हमने देखा नहीं, अकल से पहचाना है ना भाई। तो अकल तो ये कहती है कि भाई अपनी अपनी हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, और अगर आपको अपना नहीं ख्याल है तो भाई आप उस घर में आ रहे हैं जहां आपकी बीवी बच्चे हैं, आपके घर वाले, आपके वालदैन, उनका क्या कसूर है, उनका क्या, मेरा तो क्या। लेकिन एक और भी बात है ना, जैसे मैं अपनी मेरे घर में मेरे वालिद दोनों 70+ हैं, मदर एंड फादर साथ ही रहते हैं मेरे, मैंने उनको नहीं आना चाहता, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, मैं दूसरे लोगों से मिलता हूँ। तो होता ही है कि वो इशू वो डॉक्टर से जब मिलता हूँ और जो लोगों से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ना आऊँ, तो वो कह रहे नहीं नहीं आप घर आएंगे वापस, आप घर वापस आएंगे। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद मी। तो वो उसको कैसे रोके। यार देखे, अब तुम्हारा एक काम है, तुम एक फलाही काम कर रहे हो, और मुझे मुझे ये भी मुझे मालूम है कि जब आप घर जा रहे होंगे तो आप यकीनन आप घर में डायरेक्ट नहीं घुस रहे होंगे। आप नहीं घुस रहा, शूज तक बाहर उतार कर कपड़े जाके खुद धोता हूं। बिल्कुल, तो ये कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है, तो अपना ख्याल कर रहे हैं ना आप। भाई देखे यार, इसमें सिर्फ सबसे ज्यादा क्या चीज है, आपने अपना ख्याल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है अपनी, आपने गुर्बत नहीं अख्तियार करनी, और अपने हाथ को धोते रहना है, और अगर हाथ कुछ हाथ लगा लिया तो मुंह पे हाथ नहीं लगाना है। तो ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से आप बचे रहेंगे यार, बस यही चीजें हैं। और क्या चीजें होती हैं यार, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बट मुझे थोड़ा सा, मैं कभी कभी ना मेरी होप बहुत डाउन हो जाती है, या शायद मैं, हो सकता है इसीलिए अपने दोस्तों से इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ काफी वीडियो पे और इस तरह कि मैं हाइपर एक्टिव इंसान हूँ। मुझे या तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या पाकिस्तान में होता हूँ, तो मैं सुबह शाम 11-11, 12-12 घंटे काम कर रहा होता हूँ, मुझे मजा आता है। मुझे ये डाउन करता है कि जब मेरी ऑनलाइन की टीम कहती है सर कोई काम बता दें, आउटलेट की टीम बेचारी आके बैठी होती है, अब उनको कहाँ मैं बिठाऊँ यार। वो आउटलेट की सेल्स के स्टाफ है, अब वो आउटलेट ही नहीं खुल रही है, वो आके बैठे हैं और वो कह रहे हैं सर हमें पता है आपके ऊपर प्रेशर है। यार आई नो प्रेशर है, लेकिन वो डाउन कर रहा है, चलो काम नहीं और सेल नहीं और नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन बंदे तैयार हैं, लोग तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं हो तो बड़ा कैसे अपलिफ्ट कैसे करें यार। अदान तुम बताओ, तुमने तो सारी चीजें देखी हैं, अपलिफ्ट कैसे किया जाए यार। देखो अपनी टीम को अपलिफ्ट कैसे किया जाए। आप देखो, मुझे इतना पता है कि यार आपने अपनी कोई SOPs रखी होंगी, आपने कोई अपना कोई इंसेंटिव प्लान रखा होगा, आपने कोई
उनको उनको एक नॉर्मल इंसान रहने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। सो आई थिंक आपको कोई इंसेंटिव देने पड़ेंगे, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उनके साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। अब जुड़कर रहना यही है ना, मैं भी आपके साथ जुड़कर हूं ना, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम इन टच हैं, हम तो अब ये जो डेली वेजेस वाले लोग हैं ये तो बेचारे बड़ा मसला हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत तुम मसला हो लोग की जाएगा। एक कोई डिजाइनर्स एक एसोसिएशन हो, जैसे मैं इस वक्त एक काम में लगा हुआ हूँ कि मैं अपने एक्टर्स सारे दोस्तों से कह रहा हूँ यार, जो हमारे डेली वेजेस वाले लोग हैं ये बहुत बड़ा मसला है उनके लिए, तो हमें कोई ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा उनके लिए, ताकि हम उनको मेडिकल दे सके, उनको डेली वेजेस पे रख सके, ताकि वो बेचारे मर ना जाए। बेचारे उनका क्या कसूर है इस चक्कर में यार? वो अगर देखे अच्छा, आप इसी पे याद ख्याल है क्या? नहीं रखेंगे, ओके okay. नहीं, इसी हम पे याद ख्याल है नहीं कि हम रखेंगे। प्रिया जो, हाँ प्रिया ने एक अनाउंस किया है, मुझसे 2-4 दिन पहले उसकी बात हुई थी, प्रिया अल्ताफ से मेरी बात हुई थी। उसने कहा कि भाई हम एक फैशन शो कर रहे हैं जो कि जिस गोना बी वर्चुअल फैशन शो, जो एक हॉल में होगा, सिर्फ मॉडल्स होंगी और कोई लोग और नहीं होंगे, जैसे बाहर भी 2-4 हो चुके हैं, गुची ने भी एक किया आई थिंक, तो वो कर रहे हैं। तो आई वुड यू बी पार्ट ऑफ इट? तुम आना चाहोगे, तुम करना चाहोगे? क्योंकि वजह है कि ये बहुत सारे लोगों के, वो जो ले हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जिनके डिजाइनर्स के लेबर को सपोर्ट कर सकें, जो इस इंडस्ट्री के साथ साथ रहें, उनको सपोर्ट कर सकें। यार एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ आर सिटीजन, आई एम 100% विथ यू ऑल। मैं ओके यार, बिल्कुल थैंक यू हाजिर सो हूँ, मच। मैं करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा यार। देखो यार, अगर आप हम अगर किसी का सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए सोचेगा, और उसमें आपके काम में बरकत ही आएगी और कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली। तो यार मैं आई तुम्हें अपना बिलीव बता दैट रहा यू हूँ, हैव मैं टू। बिल्कुल, मैं भी इस बात पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे तो अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ से देता है और कहाँ से होता है, मुझे खुद नहीं, अगर मैं कैलकुलेशन बना के बैठू ना तो मुझे पता ही नहीं होता। मैं तो हर साल सोचता हूँ यार इस साल तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी अल्लाह ताला पिछले साल से बेहतर ही करता है यार। अगर आप कुछ करें तो अल्लाह ताला यस पता नहीं किस प्रोसेस, मैंने तुम्हें भी देखा है माशाल्लाह, तुम तो इतना कबर, लेकिन तुम बहुत छुप के करते हो, तुम ज्यादा बताते नहीं हो, वो मुझे पता है इस बात का, लेकिन नहीं, काफी अल्लाह मैं ताला, चुप, बस काफी लोग कोशिश तुम्हारे करता रहता बस हूं मैं। वो हाँ हमें पता है ना, वो तुम बताते नहीं हो। कोको तुम्हारा मिल गया है, तो लोग बार बार कह रहे हैं कहाँ से मिला भाई यार, वो, मेरे ये बच्चे स्टोरी इतने बता दो परेशान थे, तो यार। मैं भी भाई परेशान था यार, मेरे मेरे घर के पीछे गिजरी लगता है, तो और उसके हुआ ये कि वो बिल्कुल शायद गेट खुला रह गया और वो कोको बाहर निकल गया। ये जो जो पग्स होते हैं ना, ये बड़े डम कुत्ते होते हैं, बड़े क्यूट से होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो कोई भी इनको प्यार से बुलाएगा उनके पास चले जाते हैं, छोटे से क्यूट से होते हैं। तो ये बाहर निकला है और वो कोई बच्चों ने उठा के ले गए और वो पीछे चले गए। अब मैं गया भी कल रात, उधर भी घूमता रहा, मतलब जिस दिन खोया था हम वो सब सो सारी रात नहीं ढूंढते सोए थे रहे तुम यार, पूरी यार। रात मैं तो तुमने सोया बताया ही नहीं नहीं, सही है। मैं सोया नहीं, और हम कोई 3-4 बजे तक तो यार बाहर थे। मैं कहाँ कहाँ, फेज 4 चला गया, मैं फेज 6 चला गया, ढूंढते ढूंढते इस खड्डा मार्केट में चला गया, गिजरी में गया, मगर यार कहीं से कोई समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरे दिन बच्चों को मैं देख रहा हूँ यार, एक अजीब एक हु का आलम घर में यार, वैसे ही एक इस क्वारंटीन की वजह से एक डिप्रेशन सा हो गया है सबके या घरों में। अब मैंने कहा कि यार मैं क्या करूं, तो मेरा जब माली आया तो मैंने कहा देखो तुम दरवाजा खोल के चले गए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो ऐसे ही हमने कहा यार, सर माली ने कहा कि मैं मालूम करके आता हूँ, तो माली फौरन 2 मिनट में आ गया, कहता है अदनान भाई मुझे किसी ने बताया है कि कल रात शाम 7 बजे कुछ बच्चे थे और वो इस गली में गए हैं और इस शख्स ने देखा है, उसका मोहल्ला है शायद, उधर ही रहता है माली। तो मैं उसके घर गया, उसने कहा हाँ यार मैंने देखा तो है, मैंने जब उसको कुत्ते की शक्ल देखी, कहता है यही है, यही कुत्ता है। मैंने कहा यार मुझसे दिलवा दो मुझे यार। अब वो कह रहा है कि यार वो अब उनके आप एक काम करें, जाके मैं बता देता हूँ, आप चले उनके घर। हम गए तो वो देवर इन डिनाइल, और वो देने को तैयार ही नहीं थे कुत्ता। फिर मैंने उनके काउंसलर से बात की, जो गिजरी के जो पीपल्स पार्टी के कोई काउंसलर है, इस उनसे बात अच्छा, की, उनको इतने इतने उनको वो जब मैंने उनको बताया, कॉन्फिडेंस है। अच्छा, हाँ हाँ नहीं दे रहे थे, और उन्होंने कोई दूसरे घर में कहीं छुपा दिया था कुत्ते को।
जब काउंसलर ने कहा कि भाई अगर अदनान भाई इनके घर में कुत्ता है तो आपके घर में 10 मिनट में मैं लेकर आ रहा हूँ, और यही हुआ, 10 मिनट में वो लेकर आ गया। अच्छा, मैंने रिवॉर्ड भी रखा हुआ था कि भाई मैं ये रिवॉर्ड दूंगा कि जो भी मैंने देखा था, मैंने देखा था आपने रिवॉर्ड भी रखा। शाम को वो आ गए साहब, शाम को साहब आ गया, वो पैसे तो दे दे। मैंने कहा यार आप तो दे ही नहीं रहे थे कुत्ता, यार किस किस्म का रिवॉर्ड मांग रहे हैं आप? रिवॉर्ड उनके लिए था जो मुझे ला के देंगे, आपसे तो मुझे जबरदस्ती लेना पड़ा है, और आपके आपका बड़ा ज़र्फ है कि यार आप मुझसे रिवॉर्ड मांगने आ रहे हैं। यार नहीं यार, और उस वक्त तो कह रहे थे आपका है नहीं कुत्ता, आपका नहीं है कुत्ता ये। हाँ, शुक्र उन्होंने रसीद नहीं मांग ली उस पे फिर मैंने, हाँ उसके बाद भाई उसके बाद वो मैंने फिर कुछ थोड़े पैसे दिए उनको। मगर इनमें सबसे अच्छा ये कि हमारे दोस्त हैं दुबई में रहते हैं, तो आपके तवस्सुस में उनको बताना चाह रहा हूँ कि भैया तुम डॉलर्स में कमाते हो, तो मुझे कहते हैं यार कि तुमने, यार अदनान तुमने अच्छा किया कि 20,000 का रिवॉर्ड तुमने रखा है, बट रैंसम थोड़ा बढ़ा दो यार, $10,000 कर दो। तो मैं पहले समझा मजाक कर रहा है, मैं कहा $10,000, मैंने कहा, मैं कहा तुम सही तो हो यार, $10,000, मैंने कहा तुम दे दो ना यार, मैं दे देता हूँ उनको। क्या मैं जानता हूँ उनको, मैं जानता हूँ उनको। आप काश जानते होते उनको यार। ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार, मैं करता हूँ यार। मगर यार ये बड़ा जबरदस्त रहा। तो और क्या हालात क्या है भाई, मुझे क्या बस यार अल्लाह का बड़ा कर, बड़ा शुक्र है, थोड़ा बहुत यू नो अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, ईद की कोशिश कर रहा हूँ कि ईद की कलेक्शन निकालूं, बट बहुत बहुत पहली दफ़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनेबल प्राइस में ला के, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस ईद पे बहुत ज़्यादा कुछ महंगी चीज़ें बिकेंगी भी, और प्लस बेचनी भी नहीं चाहिए, प्लस मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि उसके जितने रेवेन्यू आए ना, प्रॉफिट जो आए उसका, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो पूरा डोनेट कर दूंगा, जो प्रॉफिट आएगा ना, मेरा प्लान ये है कि अल्लाह करे ये हो जाए तो मैं उस प्रॉफिट को भी इस पीपीई प्रोजेक्ट में लगा दूंगा, ये मेरी अभी तक प्लान है। या तो तुम उनसे क्यों नहीं बात करते हो, जनान वालों से लंदन में? आ बताओ क्या बात करनी है, मैं बताऊंगा, मैं वो उनके उनका कोई तकरीबन 30-35 स्टोर्स हैं उनके पूरे यूके में, एंड उन्होंने जैसे, अब मैं हाई लेवल कह रहा हूँ, जैसे हैरिट्स के अंदर हर कोई है, हर ब्रांड है, ठीक है ना, जैसे सेल्फ्रेजेस के अंदर हर ब्रांड है, तो उन्होंने जनान ने अपना एक सिस्टम शुरू किया जिसके अंदर हर ब्रांड है, तकरीबन हर डिजाइनर्स का ब्रांड है, मल्टी स्टोर खोला, या जी मल्टी स्टोर है, मैं बिल्कुल समझ गया। तो वो उन्होंने, अब उन्होंने अपना स्टोर्स तो बंद है उनके भी, उनको भी कुछ करना है, तो उन्होंने भी ऑनलाइन शुरू कर दिया है कि यार कि आपको अच्छा, अगर कुछ कपड़े चाहिए, अदान मेरा ऑनलाइन ऑलरेडी है, ऑलरेडी ऑनलाइन है, और वो हम खुद रन कर रहे हैं, और तकरीबन उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है हर साल, और मुझे लगता है कि अब ऑनलाइन ही बिजनेसेस होंगे, मुझे बल्कि जो जिनकी, मैं तो इतना शॉप स्ट्रक्चर में नहीं हूँ, तुम्हें पता है एक आधी शॉप है वो भी बड़ी नॉर्मल सा है, बट जिनकी 20-20, 40-40 दुकान है वो जरा सा इसमें है, क्योंकि आगे चल के मुझे नहीं लगता अभी 2-3-4 महीने तक शॉप्स ओपन हो जाएंगी प्रॉपरली, और SOPs में यू नो एक कस्टमर का इनफ्लो होता है आउटफ्लो होता है, आप एक ही वक्त पे 30 आदमी नहीं रख सकते, कभी 350 होते हैं कभी 3 होते हैं, इतना बुरा यानी कि शॉप बहुत ऊपर चला गया जल्दी में, आपको अंदाजा नहीं है कि आसिम जोफा के बड़े फॉलोअर्स हैं, तो आप छोटे छोटे अगर सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वर्क तैयबा, थैंक यू अदनान भाई, जुनैना बिल्कुल जनाब, और कौन आ रहा है, अरीबा है, अरीशा है, मोस्ट हम्बल सेलिब्रिटी, ये तो मैं भी गारंटी करता हूँ, कौन
मोस्ट हम्बल सेलिब्रिटी आपको बोले, मैंने कहा ये तो मैं भी कर। लेकिन अरे अदान ये कैसे होता है मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। मैं अगर हॉलीवुड बॉलीवुड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड और इंडियन मूवीज और सारी चीजें करने के बाद मुझे तो समझ ही नहीं आएगा मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँ। तो अदनान कैसे हैंडल करता है यार? और उसके बाद आपने मूवी दे दी हॉलीवुड, आपने इंडियन मूवी दे दी हिट, आपने पाकिस्तानी कर लिया, और उसके बाद आपने एक और ड्रामा दे दिया, उससे भी बड़ा हो गया। तो क्या लगता है, इसके क्या फील होता है, यार कैसे देखो कंटेंट यार, रखते आई हो? आई थिंक गॉड इज काइंड, मैं तो सिर्फ यही बात कह सकता हूँ। और वो लेकिन मैं तो ड्रामे जो भी करता हूँ मैं बड़ा सोच समझ के करता हूँ, मगर कुछ हिट होते हैं कुछ नहीं होते हिट। अगर हिट हो रहे हैं तो यार पूरी टीम की इसमें शाबाशी है, और अगर कोई ड्रामा हिट नहीं होता तो वो पूरी टीम के लिए हिट नहीं है। तो आई गेस आई एम जस्ट लकी, आई एम वर्किंग एंड पीपल आर लाइकिंग माई वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज जो पूरी टीम होती है ना, जो पूरी टीम की जो एफर्ट्स लगती है ना, तो वो चीज़ अच्छी निकल के आती है। तो और दोनों ड्रामे मेरे माशाल्लाह लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। माशाल्लाह एक खत्म माशाल्लाह यार, हो मैं चुका है, बता रहा हूँ ना एक खत्म हो चुका है, और एक ये दिल मेरा विद सफेद अदनान, दाढ़ी यू के कैन नॉट साथ। इमेजिन, अगर मैं तुम्हारी और मेरी कोई तस्वीर पोस्ट होती है कहीं, हम होते हैं कुछ होता है, तो यू कैन नॉट इमेजिन, नॉट पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका से सैकड़ों हजारों मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार अदनान की मैं फैन हूँ, अदनान ने ये किया, अदनान ने ये ड्रामे में ये एक्टिंग की। और कुछ ड्रामे मुझे पता भी नहीं होते, वो पूरे पूरे मुझे तो उसके पूरे पूरे पार्ट लिख के भेज रहे होते हैं कि ये वाला पार्ट मुझे पसंद है। यार वाह, हम पता ना आसिम, आई आई फॉलो यू, मैं बड़ा होके आप जैसा बनना चाहता हूँ। आप मुझसे बहुत आगे निकल, अदान आप हर चीज में मुझसे बहुत आगे मैं निकल सिर्फ चुके हैं, ये उम्र तो में आपको आगे भी हूँ, पता मैं सिर्फ उम्र में आगे हूँ, उम्र में आगे हूँ और किसी में नहीं। ये आप ना भूलें, आपकी खबरें पूरी दूर दूर, हर गांव से आपकी खबर आती है और अच्छी आती है। मगर I like the way you manage every friend. आप मुझे कह रहे हैं आप मैं हम्बल हूँ, आई थिंक यू आर वन ऑफ देम, एंड आई गेस नो, मैं ये तो जस्ट दोस्तों जस्ट की स्टार्टिंग हूँ। रिफ्लेक्शन होते हैं, अच्छे दोस्तों का रिफ्लेक्शन होता है कि आप उनकी तरह होते हैं, आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। और वाकई है, टू वेन मैं एवर तो आई हैव बनना मेट चाहता हूँ यू आई अदनान हैव सिद्दीकी ऑलवेज जैसा, फेल्ट कंटेंट इम्प्रेस। तो होना चाहता हूँ जितना कंटेंट आप हैं, वैसे होना चाहता हूँ। जैसे बैठ के नहीं नहीं चाय नहीं में नहीं आपने आपने बिस्किट डुबोया, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो हैं वो हैं। आप आएंगे मुझे बोलेंगे यार कॉफी बनवा नहीं दो, जो बिल्कुल, पर जल्दी से कॉफी बनवा दो यार, हाँ अच्छी सी, अच्छा फ्रिज में क्या पड़ा है, चॉकलेट पड़ी है, वो वाला, वैसे वैसे बनना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल। तो भाई मैं जहमत नहीं बनना चाहता ना दोस्तों के घर में जाके, यार आई मीन आई वांट टू, नहीं, आई अरे तो वांट टू अपना घर, एंजॉय एंड अपना आई घर, वांट टू, तो बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू आर ऑलवेज वेरी वेरी हम्बल एंड हॉस्पिटेबल लाइक एनीथिंग, मजा आता है तुम्हारे साथ। अच्छा जी, अब मैं अब आपका मिस कर रहा हूँ वो ऑफिशियली दोस्तों थैंक यू कहते। करूंगा अदनान, आपने मेरी मिस इनिशिएटिव में, अल्लाह मियाँ आपको बहुत खुश रखे, और मुझे लगता है कि नेशन आपकी नहीं बड़ी नहीं थैंकफुल रहेगी। जितना भी काम हुए, 200 के करीब फैक्ट्रीज जो हैं हमारे डिजाइन को फॉलो करते हुए बना रही हैं पाकिस्तान में पीपी, जो कि पूरी दुनिया में बहुत कम माशाल्लाह, जगहों पे हो रहा है, और हजारों घरों में खवातीन, कोई अपने भाई को, कोई उसका भाई पुलिस वाला है, कोई उसके भाई केमिस्ट है या डॉक्टर है या हॉस्पिटल के पास दुकान है। मैं तुम्हें ईमेल्स खोल के दिखाऊंगा। आई थिंक मैं खुद अपना बता रहा हूँ अदनान, मुझे रात के 4 बजे मैंने एक मैसेज खोला, उसमें लिखा हुआ था कि जी बहुत अच्छी खातून लंदन से लिखा हुआ था कि हमने आपका ये देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और हमारी हम कुछ कर नहीं सकते, हम आप तो वो डोनेशन भी नहीं ले रहे हैं बिकॉज, लेकिन हम आपके लिए फजर में उठ के दुआएं करते हैं। मैं देख यार, मुझे मेरे लिए दुआएं करते हैं, देख दिस इज समथिंग। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हजारों औरतें आप लोगों को देख के, बिनाल को देख के, और दूसरे जितने भी मेरे दोस्त हैं सबको देख के, यार उन्होंने स्टिचिंग शुरू कर दी है, हमें ऐसी ऐसी दुआएं मिलती हैं आप लोगों की वजह से, बिकॉज मेरी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी आप लोगों की है, और लोगों ने आप लोगों को देख के जिस तरह इसको बिल्कुल आगे लिया, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में पीपीस कम नहीं होंगे, अमेरिका में कम हो गए, स्पेन में कम हो गए, फ्रांस में कम हो गए, यूके में कम हो गए, पाकिस्तान में इंशाल्लाह कम नहीं होंगे। दिस इज नहीं, वॉट द हमारे देखे क्रेडिट हम गोज टू लोग, यू गाइज। नहीं, ये इसमें यार तुम्हारा क्रेडिट है। और एज ए यू नो, हम एज ए नेशन चैरिटी में सबसे आगे हैं, मगर अगर ये चीजें हम लोग को, चले मैं इसको, इस क्वारंटीन को एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मैंने ये मेरा सवाल था वैसे आज हाँ, का, मैं सोच रहा था कि पूछूंगा तुम क्या, किस तरह इसको पॉजिटिव समझते हो कि हमारे लिए तो पॉजिटिव मुझे हुआ। ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत सीखा अकेले रहकर, मैंने ये सीखा कि आप अकेले आए हैं आप अकेले जाएंगे,
होगा, एक चीज ये सीखी। दूसरी चीज जो मैंने सीखी, ये जो हमारे मरासिम है ना, दूर रह के भी करीब रहना, ये बहुत जरूरी है। और ये देखो, अकेला जो मुझे मौत का डर नहीं होता, किसी भी इंसान को मौत से डर नहीं लगता, अकेलेपन से डर लगता। ये जो कुर्बतें, ये जो कुर्बतें होती है ना, ये इंसान को जगाए रखती है, ये इंसान के अंदर। वाह क्या बेहतरीन बात की आपने, कुर्बतें एक बार दोबारा से रखो, कुर्बतें आपको जगाए रखती, जो बड़ी डीप बात, जगाए रखती है आपकी उमंग को उजागर रखती है, आपकी हिम्मत बढ़ाए रखती है। तो यार ये राबिता रहना चाहिए, ये मुनकता नहीं होना चाहिए। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान है, मुझे मेरा यकीन है कि ये हालात बदलेंगे। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और उसके बाद एक नया सूरज निकलता है, बिल्कुल नई रोजियां आती हैं। ये आएगी, ये आज अंधेरा जरूर है मगर सवेरा होगा, बिल्कुल होगा। और उसके साथ जब अंधेरा जरूर है पर सवेरा होगा, होगा होगा बिल्कुल होगा। और मुझे लगता है, मुझे लगता है कि ये जो हमने दोस्तियां दूर रह के जो निभाई हैं, ये कायम रहनी चाहिए यार, ये हम इसको भूले ना। हम जैसे अभी जुड़कर हैं, दूर दूर रह के जुड़े हुए हैं, ऐसे हम पास पास रह के भी जुड़े रहे। मेरा तो ब्लड है मेरे दोस्तों में ना, मैं तो कहता हूँ कि अगर वो ब्लड नहीं होगा तो आपकी बॉडी बैन नहीं कर सकती। तो आई बिलीव इन, थैंक यू सो मच अदनान, इतना मजा आया, इतना मजा आया और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने को मिल गई ना, मैं तो एक और सेशन लगा। नहीं नहीं यार, ये तो थैंक यू सो मच यार, नहीं नहीं तुमने इतना, थैंक यू आमीन, आपको भी खुश रखे, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। ओके, खुदा हाफिज़।